मेरे पिता जी फ्रीडम फाइटर सन, उन्होंने मैं भी चंगे काम सिखाने का वादा किया कि मेरे बाद ये अमृत संभालेगा और पब्लिक को अपना इंसाफ देगा, अपना इंसाफ नहीं मिलना और चंगे काम करेगा। उन्होंने भी देश में बड़े अच्छे अच्छे काम किए, सू दसते ही भी मैं लाहौर रहा, भारत छोड़ो अंदोलन के भाग लिया, हर जगह मतलब अपनी कुर्बानियों करता रहा। फिर उन्होंने ने भी दसिया कि मैं लाहौर जेल के लाहौर जेल च रहा। सर कि एज कि उम्र कि उम्र उनकी एज ही 101 साल। अज ठाकुर बचित्र सिंह जी साढ़े फ्रीडम फाइटर जेडे 1901-1902 ईयर उन्हों की एज आ शरीर छड़ गए हैं। वो 1942 च गए सी जी जेल में डेढ़ साल वास्ते, उदो उन्हों की एज मेरे 26 साल की होनी है। तो इन्हों की बदौलत ही देश आज़ाद होया जी, इन्हों की सारे की फ्रीडम फाइटर की बदौलत ही अज असी इतने आज़ादी का साह लै रहे हैं। तो आज़ादी एक यहोजी चीज़ हैगी है जी हर बंदे नूं प्यारी है, हर बंदे नूं मिलनी चाहिए है। उस तो बाद भी है फिर टीचर रहे, मेरे फादर साहब भी उन्हां कोल पढ़े दे, एटलीस्ट सारा पठानकोट के भी जिन्हें भी भरा ने सारे उन्हां कोल पढ़े दे ने। उस तो बावजूद भी शहर के कोई भी मुद्दे होंदे सी जिहड़े गरीब नाल जुड़े होंदे सी उन्हां नाल भी जुड़े रहिंदे सी। ते अज असीं सारे शोक सभा ते इत्थे आए दे उन्हां वास्ते, ते मैं यही कहांगा कि इन्हां ने कुर्बानियां दे के साडे देश नूं नौजवान नूं आज़ाद किया है करवाया उस टाइम, उस तो बाद भी सेवा दी। तो मैसेज यही है कि अपनी जिंदगी इन्होंने लगा दियाँ, असी भी इन्हों तो कुछ सीख के अपने सूबे वास्ते अपने देश वास्ते अपने बच्चों नूं मेरी अपील है कि इन्हों को सीख के असी भी अपने देश वास्ते कुछ करिए। तो अज शोक की घड़ी है कि साड़ी एक बहुत ही वड्डी शख्सियत साढ़े जिहड़े पठानकोट सी अपना शरीर छड़ गए ने, मैं उन्होंने फैमिली नूं उन्हां दे नाल हां ते असी कंडोलेंस वास्ते आए हैं। तो परमात्मा नूं वाहिगुरु जी नूं अरदास करने आ कि उन्हां दी आत्मा नूं शांति दे ते सुरग च वास्ते। अज पठानकोट तों ठाकुर बचित्र सिंह जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए परमात्मा के चरणों च लीन होए ने, उन्हां नूं प्रशासन वालों भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने वास्ते असीं सारे इत्थे इकट्ठे होए हैं। तो मैं उन्हां दा, उन्हां वर्गे बजुर्गों का, उन्हां दे परिवार का बहुत तहे दिलों धन्नवादी हाँ कि अज असीं आज़ादी के माहौल में जिहड़ा साह लै रहे हैं। ये उन्हां दीआं कुर्बानियां जिहड़ियां उन्होंने अपने नौजवान समय के दित्तियां ने देश वास्ते, उन्हां दी विरासत नूं असीं संभाल रहे हैं। उन्हां दे परिवार के नाल साडी पूरी सहानुभूति है, सानूं उन्हां दा जदों तक इस संसार विच सीगे पूरा सहयोग मिलता रहा, पूरा दिशा निर्देश गाइडेंस मिलती रही है। उन्होंने अपने तजुर्बे के नाल सानूं काफ़ी अच्छा प्रेरित करते रहे हैं कि मैं इसमें जिला प्रशासन वालों पठानकोट वासियों वालों उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। बहुत ही महान शख्सियत है बचित्र सिंह जिहड़े कि साडे देश दे फ्रीडम फाइटर ही, उन्हां दा अंतम संस्कार असीं छड़ रहे हैं। मैं गार्ड ऑफ ऑनर लै के स्वामी जी पहुंचे, मेरे उन्होंने परिवार में बहुत ही दीप जीवन छोड़ रहा है। उन्होंने जीवन बारे मैं थोड़ा जिना कहते वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाल करते एज ए टीचर रिटायर हुए। वो अपने 1942 लाहौर के उन्होंने करीब 1.5 साल जेल भी गई है। तो वो उन्होंने होर भी सरगर्मियां जी बहुत ज्यादा ही सरगर्मी। तो मेरे वालों डिपार्टमेंट पुलिस वालों